हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं एक बार उपेंद्र पांडे का इसमें, जैसा कि आप लोग को मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर्स सेकंड वाले में बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को जो मैकेनिकल सिक्स सेमेस्टर में है, जो आपकी सभी क्लासेस हैं प्रॉपर सही ढंग से चल रही हैं, आज की क्लासेस में मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर सेकेंड वाले के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसा कि आप लोग को यांत्रिक यानी तुलनित्र क्या हो गया, सीमा गेज क्या हो गया, मापन यंत्र क्या होता है, इसके अंतर में क्या डिफरेंट होते हैं, और यांत्रिक तुलनित्र और विद्युत तुलनित्र में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग को फर्स्ट चैप्टर से यानी फर्स्ट टॉपिक आता है तुलनित्र। तुलनित्र और सीमा गेज और मापन यंत्र में क्या अंतर होता है, डिफरेंस एमोंग कंप्रेशर कंपरेटर लिमिट गेज एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को इसके बारे में देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे तुलनित्र क्या होता है, जैसे कि आप लोग को किसी प्रोडक्ट को एक प्रकार से तुलना करके मापा जा सके, वो तुलनित्र के अंतर्गत आता है। और सीमा गेज में क्या इसके अंदर आता है, कोई भी प्रोडक्ट को एक ही आकार में कई सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर जिस यंत्र का मापा जाता है यानी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सीमा गेज का प्रयोग करते हैं। मापन यंत्र में क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट को सीधापन हो गया, चौड़ापन हो गया, या चपटापन हो गया, या फिर गोलीय पदार्थ हो गया, उनको मापने के लिए मापन यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इनमें से कौन कौन से यानी कि कौन कौन से अंतर होते हैं, यहाँ पे जैसे कि आप लोग को देख पा रहे हैं, फर्स्ट वाला क्या होता है कि फर्स्ट क्या कहता है, तुलनित्र की कीमत अधिक होती है, जो इसकी लागत होती है वो अधिक होती है, और ये कीमत कम होती है यानी मीडियम साइज़ की होती है सीमा गेज। ठीक, नेक्स्ट आता है तो कीमत अपेक्षाकृत कम होती है, जो मापन यंत्र होता है उसकी लागत क्या होती है, बहुत कम होती है, एक प्रकार से सरल भी होती है। ठीक, सरल भी क्या, सरल क्या, आसानी भी होती है। ठीक, एक प्रकार से। नेक्स्ट आता है तो मापन प्रक्रिया में कम समय लगता है, कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को अगर एक साइज़ का बना है, उन्हीं के दूसरे साइज में कंपेयर यानी तुलना करके हम किसी प्रोडक्ट को बना लेंगे, ठीक, तो उनमें टाइम हमें कम लगेगा, और वहीं पे मापन प्रक्रिया में कम समय लगता है। इनको भी एक प्रकार से बना गया है तो उनको तुलना करके यानी माप करके भी बना सकते हैं, और इसमें क्या होता है, मापन प्रक्रिया में अधिक समय लगता है। अगर किसी भी प्रोडक्ट को बनाया गया है एक ही आकार में, अब दूसरा प्रोडक्ट बनाना है तो उन्हें फिर से नापा जाएगा, तो उन्हें मापने में ज़्यादा समय लगेगा, यानी मापन यंत्र का उसमें ज़्यादा समय लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है, तो नेक्स्ट क्या होता है, तुलनित्र में क्या होता है, इसमें गुण कौन से होते हैं कि इससे अधिक यथार्थ मापन संभव होता है, जो एक प्रकार से हम बता दें कि जो बहुत से जाने बहुत से मापन को मापा जा सकता है एक साथ में। इसमें आता है यथार्थता, सीमा गेज की यथार्थता निर्भर करती है, यानी जो इसकी नाप होती है किस पर निर्भर करती है, सीमा गेज पर। सीमा गेज पर कितना मापन मापा जा सकता है ये डिपेंड करती है तो सीमा गेज पर। नेक्स्ट आता है इसमें यानी मापन यंत्र में क्या कहता है कि यथार्थता निश्चित सीमा तक ही होती है, कि अगर किसी भी प्रोडक्ट यानी किसी भी प्रोडक्ट को मापा जाता है, ठीक, तो वहाँ पे एक निश्चित कर दिया जाता है कि यहाँ पे इतने ही प्रोडक्ट को मापा जा सकता है। एक प्रकार से हम बता दें कि जो मीटर नहीं होता, कि यहाँ पे कैल्टिवेटर के माध्यम से मापा जाता है, कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक वाला होता है मीटर, वहाँ पे 50 kg ही कहीं मापा जा सकता है, या फिर 5 क्विंटल का मापा जा सकता है, यानी क्षमता के आधार पर एक प्रकार से हम कह सकते हैं, तो वो मापन यंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, नेक्स्ट आता है, तो नेक्स्ट आता है तो बताता है क्या है कि इनके द्वारा मापी जाने वाली बीमा की तुलना किसी मानक से की जा सकती है, जो मापी इनमें जो एक प्रकार तुलनित्र वाले में मापा जाता है कोई भी प्रोडक्ट को, जो उसकी बीमा होती है किसी भी मानक से मापा जा सके यानी तुलना की जा सकती है। और इसमें सीमा गेज में क्या होता है, इसके द्वारा यह पता चलता है कि मापी अपनी उच्च तथा निम्न सीमा है या नहीं। अगर किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है तो ठीक उसमें एक दूसरे से कंपेयर करके इस प्रकार से सीमा गेज यानी बनाया जा रहा है, तो उन्हें उच्च क्वालिटी और हाई क्वालिटी में पता लगाया जा सकता है कि ये दोनों रूप से सही है या फिर नहीं है। मापन यंत्र में क्या बताया गया है, इसके द्वारा किसी भी माप को सही मान ज्ञात कर लिया जा सकता है, सही मान ज्ञात कर लिया जा सकता है। इसमें क्या कहता है कि तुलनित्र में उसके एक प्रोडक्ट को तुलना करके मानक किया जा सकता है, और इसमें क्या होता है, डिपेंड करता है सीमा गेज पे, उच्च क्वालिटी और हाई क्वालिटी है या फिर नहीं। और इसमें क्या किया जाता है कि किसी भी एक प्रकार से इसमें भी असंभव रहता है, इसमें भी असंभव रहता है, और इसमें जो एक प्रकार से मापन यंत्र में हो गया, इसमें सारा कुछ मेजरिंग एक प्रकार से संतुष्ट कर देता है कि हाँ आपको इतने से इतने माप तक बनाना है प्रोडक्ट को। नेक्स्ट आता है, तो नेक्स्ट कहता है कि बृहद उत्पादन में बहुत उपयोगी होता है, यानी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को बनाना है तो उसमें भी ये प्रयोग यानी तुलनित्र का प्रयोग करते हैं। इसमें भी सीमा गेज में बृहद उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। ठीक, और ये क्या होता है, मापन यंत्र में बृहद उत्पादन के लिए उपयोगी नहीं होती, यानी छोटे यानी एक या दो पीस
कार्यखंड को मापने के लिए हम मापन यंत्र का प्रयोग करते हैं, बल्कि अगर कई भी प्रोडक्ट को एक सेम साइज में प्रयोग करना यानी मापना है तो किसका प्रयोग करेंगे, तो सीमा गेज का। और किसी भी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना है और विभिन्न टाइप का बनाना है तो तुलना करके बनाते हैं। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे तुलनित्र और मापन यंत्र और एक प्रकार से सीमा गेज आपको एक अंतर समझ में आया होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एग्जाम के बेस पे पर्पस पे आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है तो यांत्रिक एवं विद्युत तुलनित्र क्या होता है, कंप्रेशन एंड बट बीन मैकेनिकल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या होता है, यांत्रिक तुलनित्र जैसा कि आप लोग को लीवर हो गया, गियर हो गया, कार हो गया, ठीक, इन सब चीज़ों को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो यांत्रिक तुलनित्र का प्रयोग करते हैं। और विद्युत तुलनित्र क्या होता है कि जैसा कि आप लोग को विद्युत सिद्धांत पर कार्य करता है, इलेक्ट्रो लिमिट तुलनित्र हो गया, इलेक्ट्रो मैकेनिकल तुलनित्र हो गया, ये सब विद्युत तुलनित्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इनमें क्या क्या अंतर होते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग को देख पा रहे हैं, इसमें घर्षण और घिसाव अधिक होने के कारण यथार्थता कम होती है। जो यांत्रिक तुलनित्र होता है उसमें क्या होता है, जो घर्षण होता है और घिसाव, एक प्रकार से जब कोई भी पार्ट चलता है, ठीक, चलने के बाद जो उसमें घिसाव होती है यानी घर्षण होता है, तो उनकी यथार्थता यानी यथार्थता कम होती है। इसमें क्या होता है, विद्युत इलेक्ट्रॉनिक विद्युत में इसमें घर्षण और घिसाव के कारण होने वाले यथार्थता अधिक होती है। ठीक, इसमें जो क्या होता है कि इसमें अधिक यथार्थता इसमें अधिक होती है और इसमें क्या होता है, कम होती है। ठीक, नेक्स्ट आता है तो ये यंत्र हल्के उठाने में आसान तथा सरल सस्ते होते हैं, कि जैसा कि आप लोग को यांत्रिक तुलनित्र में क्या होता है कि एक प्रकार से हल्के होते हैं और उठाने में आसान होते हैं, और विद्युत तुलनित्र में क्या होता है कि ये यंत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले नहीं जा सकता है। एक प्रकार से हम बता दें, यांत्रिक तुलनित्र जो एक प्रकार से बनिया वगैरह यूज करते हैं, कांटा कांटे का प्रयोग करते हैं, तो किसके अंतर्गत आता था, यांत्रिक तुलनित्र के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, और विद्युत तुलनित्र जैसे कि आप लोग कोई भी इलेक्ट्रिक से चलता है, ठीक, उनके अंतर्गत ये विद्युत तुलनित्र के अंतर्गत आता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है तो नेक्स्ट बताता है क्या है, स्थिर स्केल के कारण परास अपरिवर्तित होता है। जो स्केल होती है उसकी परास जो होती है अपरिवर्तित रहती है, इनका परास बड़ा होता है, जो परास होता है इसका मापन यंत्र जिसे कहते हैं वो बड़ा होता है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या बताता है कि इसमें चल पुर्जों की संख्या अधिक होती है। जो ये मैकेनिकल यानी यांत्रिक तुलनित्र होता है, मैकेनिकल कंपरेटर होता है, कि वो किसके होते हैं कि यानी जो विभिन्न पार्ट लगे होते हैं, जल पुर्जों यानी चल पार्ट होते हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है कि चल पुर्जों की संख्या कम होती है। जो इलेक्ट्रिक वाली होती है कंपरेटर, ठीक, इलेक्ट्रिक विद्युतीय तुलनित्र में होता है, उसमें जो पुर्जे लगे होते हैं यानी फिक्स कर होते हैं। नेक्स्ट आता है तो जड़त्व के कारण ये यंत्र के प्रति संवेदनशील होती हैं। जो जड़त्व कारण होता है ये कंपनों के प्रति संवेदनशील होती है, यानी जो कंपन लगता है जड़त्व के कारण, इसमें जो संवेदनशील यानी एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट आता है तो सूचक के हल्के होने के कारण कंपन आती संवेदनशील होते हैं, यानी जो एक प्रकार से विद्युत तुलनित्र क्या होता है, हल्का होता है, अगर कोई भी कंपन लगता है तो एक प्रकार से वो हिलता जुलता रहता है। बल्कि इसमें जड़त्व यानी मैकेनिकल तुलनित्र में क्या होता है कि अगर किसी भी कोई प्रकार से धक्का या लगता है, कोई भी प्रकार से कंपन भी होता है, तो अपने आपस में सोख लेता है। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोगों को यांत्रिक तुलनित्र और विद्युत तुलनित्र से एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है तो कोणों का मापन। अब हम कोणों का मापन किस प्रकार से करते हैं, ठीक, इसका यूज़ कहाँ हुआ, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को देख पा रहे हैं, जब कोई दो रेखीय उभयनिष्ठ बिंदु पर आकार मिलती हैं तो उसे फिर उनके बढ़ने पर मिलती हैं, या फिर उन रेखाओं के बीच के को कोण कहते हैं। जैसा कि आप लोग को कोई भी दो बिंदु यानी दो रेखाएं, ठीक, दो रेखाएं आपस में मिली रही हैं, ठीक, तो इनके बीच में जो एंगल यानी कोण बन रहा है, यानी जो बन रही है रेखाएं मिलने के बाद यानी कटने के बाद जो बन रहा है उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक, जैसा कि आप लोग को पता ही है, तो यहाँ पर वही बताया गया, जो दो रेखाएँ होती हैं उभयनिष्ठ बिंदु पर आकार मिलती हैं, यानी अगर एक दो रेखाएँ हो गई, ठीक, एक ये रेखाएं हो गई, एक रेखाएं हो गई, तो जो यहाँ पे आके बिंदु यानी उभयनिष्ठ बिंदु पर जो आकर मिलती हैं या फिर उनके बढ़ने पर मिलती हैं, अगर कोई भी पिंड दो रेखाएं जा रही हैं सीधी तौर पर, तो यहाँ पे एक प्रकार से ऐसे एक आ जाएगा कि समय आएगा कि ये जो देख दो रेखाएं दोनों आके मिल जाएंगे, तो ये क्या हो जाता है कि आपका उभयनिष्ठ बिंदु हो जाता है। ठीक, तो इन दोनों रेखाओं के मिलने के बीच में जो बनता है अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक, और कोण और टेपर में क्या अंतर होता है, जैसा कि आप लोग को बताया गया है कि कोण और टेपर में क्या अंतर है, तो टेपर की लंबाई से समृद्ध करके मिलीमीटर प्रति मीटर लंबाई में व्यक्त किया जाता है, जबकि कोण को डिग्री में व्यक्त किया जाता है। ठीक,
टेपर को किसके किस में संबंध यानी किस में व्यक्त किया जाता है, तो लंबाई में व्यक्त किया जाता है। बल्कि जो कोण होता है, ये एंगल होता है, उसमें किस में व्यक्त किया जाता है, तो डिग्री में व्यक्त किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को अंतर क्या हो गया कि हम किसी भी कोण को किस में दर्शाते हैं, किस में व्यक्त करते हैं, तो डिग्री में व्यक्त करते हैं, जबकि टेपर को किस में व्यक्त करते हैं, मिलीमीटर में। ठीक, एक प्रकार से हम बता दें कि अगर कोई भी एंगल बनाया जा रहा है तो कितने टेपर तक, कितने कोण पर वो मोड़ रहा है, ठीक, तो किसमें जितना मोड़ रहा है उसमें किसको किसमें व्यक्त करेंगे, डिग्री में व्यक्त करेंगे। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक जो जितनी लंबाई हो गई इसको किसमें व्यक्त करेंगे, तो मीटर प्रति मिलीमीटर प्रति मीटर में व्यक्त करेंगे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है तो कोणमापी यंत्र। तो कोणमापी यंत्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप लोग को बताया गया है, वर्नल, बेवल, पिनियर, पिन प्रोटेक्टर हो गया, साइन बार हो गया, स्प्लिट पोर्टलेबल हो गया, कोण स्प्लिट गेज हो गया, किल्वनोमीटर हो गया, विभाजक शीर्ष हो गया। तो यहाँ पे आप लोग को एक एक करके देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को वर्नियर, बेवल, प्रोटेक्टर बताया गया, तो इस यंत्र की सहायता से दो फलकों के बीच का कोण को आसानी से मापा जा सकता है। जैसा कि आप लोग को वर्नियर, बेवल, प्रोटेक्टर किसके यूज़ में किया जाता है, तो जो दो यंत्र यानी किसी भी यंत्र की सहायता से, किसी भी प्रोडक्ट की सहायता से, किसी भी प्रोटेक्टर की सहायता से दो फलकों के बीच के कोण को मापा मापने के लिए हम वर्नियर, बेवल, प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है तो साइन बार। साइन के बार क्या होता है कि यह एक ऐसा मापन यंत्र जो मापे जाने वाले कोण को रेखीय में बदलकर कोणीय व्यवस्थित करने, यथार्थपूर्ण कोण को मापना मापने के काम करता है। कि साइन बार क्या होता है कि यह एक रेखीय मापन होता है, ऐसा मापन यंत्र होता है, किसी भी रेखीय कोण को क्या करता है, यथार्थपूर्ण कोण मापने के लिए किया करता है। यानी क्या किया जाएगा, जो मापे जाने वाले कोण को रेखीय में बदलकर, जो एंगल होता है, एंगल को मापना मापा जाता है, तो वो क्या करता है, रेखीय में बदलकर यानी रेखीय कोण में बदल देता है, वो क्या कहता है, साइन बार कहलाता है। साइन बार का उपयोग क्या किया जाता है कि एक प्रकार से हम कोई भी रेखीय पिंड यानी एंगल बन गया, एंगल को क्या करता है, वो रेखीय गति में यानी रेखीय कोण में परिवर्तन कर दिया जाता है, करने के लिए हम साइन बार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है तो स्प्लिट लेवल। स्प्लिट लेवल क्या कहलाता है, स्प्लिट लेवल क्या कहता है, स्प्लिट लेवल वह कांच की नली है जब बना होता है, इस कांच की नली में सैनता बल इस प्रकार से द्रव भरा होता है जिसमें हवा का बुलबुला बाकी रह जाता है, और प्रायः इसमें सैनता बल की स्प्लिट भरा रहता था, इसलिए इनको स्प्लिट लेवल कहते हैं। जैसा कि आप लोग को बताया गया, कोई भी कांच की नली ले लिया जाएगा, उसमें कांच की नली में सैनता बल यानी द्रव भर दिया जाएगा, तो उसमें जो कुछ ना कुछ यानी कुछ हीट किया जाएगा, तो उसमें कुछ ना कुछ बुलबुले उत्पन्न होंगे, तो क्या होता है, सैनता बल द्रव के रूप में स्प्लिट भरा होता है, जो स्प्लिट होता है वो भरा रह जाता है, बल्कि जो एक प्रकार से हम बता दें कोई भी कांच की नली ले ली जाए उसको कुछ स्प्लिट यानी स्प्लिट भर दिया जाए, ठीक, और भरने के बाद उसे कुछ हीट किया जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, कुछ बुलबुले टाइप में हो जाएगा, ठीक, एब्जॉर्बर में ठीक इतना हीट हो जाता है कि वो कुछ बुलबुले टाइप में हो जाता है, तो स्प्लिट उसमें नीचे बैठ जाती है यानी भरी रहती है, और बुलबुले बाहर निकल जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, स्प्लिट लेवल कहते हैं, इन्हीं के इसलिए इनका नाम क्या कह पला पड़ा, स्प्लिट लेवल पड़ा। ठीक, नेक्स्ट आता है तो नेक्स्ट क्या कहता है, कोण स्प्लिट गेज। कोण स्प्लिट गेज क्या होता है कि कोण को मापने के लिए, यानी कोण स्प्लिट गेज की बनावट स्लिप गेज जैसा ही होता है, परंतु फर्क इतना होता है कि इसके अक्ष के सदिश फलकों को समांतर नहीं होती है या निश्चित कोण पर झुकी होती है। स्लिप गेजों की तरह गेजों का एक सेट होता है जिसमें अलग अलग कोणों को स्लिप गेज कहते हैं। एक प्रकार से हम बता दें कि जैसे कि आप लोग को नेक्स्ट वाला यानी स्प्लिट गेज की ही भांति होता है, और स्प्लिट गेज में क्या होता है कि समांतर यानी समांतर ऊर्ध्वाधर टाइप में होता है, बल्कि यह क्या होता है, कोण स्लिप गेज समांतर टाइप में फिक्स किया जाता है, और कार्य एक ही होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है तो किल्वनोमीटर। किल्वनोमीटर क्या होता है कि एक प्रकार से हम बता दें कि इनका प्रयोग कोण के मापने के लिए किया जाता है। ठीक, किसी भी एंगल को मापने के लिए हम किल्वनोमीटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से, किल्वनोमीटर भी एक प्रकार का कोण मापन यंत्र है जिसके लिए स्प्लिट लेवल की सहायता से कोण को मापा जा सकता है। तो किसकी सहायता से मापा जा सकता है, स्प्लिट लेवल की सहायता से मापा जाता है। इसका प्रयोग कोण मापने में किया जाता है, इसका कोणीय सतह, बड़े बर्तन, औजारों इत्यादि के परीक्षण के लिए किया जाता है। कि किल्वनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किसी भी एंगल को मापने के लिए किया जाता है, और ये बड़े लेवलों की यानी कोणीय सतहों, बड़े कर्तन औजार, कोई भी टूल्स को, बड़े कर्तन औजारों को परीक्षण के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है तो विभाजक शीर्ष क्या होता है। विभाजक शीर्ष जैसा कि आप लोग को नाम से ही पता हो गया, ठीक,
किसी भी पार्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी पार्ट को मापने के यानी माप के बांटने के लिए हम इसका विभाजन शीर्ष का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो विभाजन शीर्ष का उपयोग मिलिंग मशीनों अटैचमेंट के रूप में किया जाता है। इसके द्वारा किसी गोल कारखंडों की परिधि को कई बराबर कोणीय भागों में बांटा जा सकता है। इस प्रकार बांटने की प्रक्रिया को विभाजन कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कोई भी गोल कारखंड की परिधि को कई बराबर भागों में बांटा जा सकता है। और भागों में किस प्रकार से बांटा जाएगा? तो कोणीय भागों में बांटा जाएगा। ठीक, इन भागों में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विभाजन शीर्ष कहते हैं। ठीक, तो आई होप गाइज यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे विभाजन शीर्ष और किल्विनोमीटर, कोणीय कोण स्लिप गेज और स्पिरिट लेवल, साइन लेवल, वाइनल बेवल प्रोटेक्टर, कोण मापी यंत्र, कोण में अंतर और कोण का मापन, यांत्रिक तुलनेत्र और विद्युत तुलनेत्र और तुलनेत्र, सीमा गेज और मापन यंत्र एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। ये सभी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो बस गाइज आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में रहेगा आप लोग को चैप्टर 3। ठीक, चैप्टर 3 के बारे में हम आप लोग बात करेंगे उसमें। ठीक, जो भी टॉपिक रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।